नमस्कार, भारत के पहले मोबाइल न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं अनामिका। इस खास न्यूज बुलेटिन में खबरों का सिलसिला शुरू करने से पहले एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। कश्मीर हिंसा के मामले में आज संसद में होगी चर्चा। विपक्ष ने कल ही की थी चर्चा कराने की मांग। प्रधानमंत्री मोदी ने की कश्मीर में शांति की अपील। भारत ने पाकिस्तानी उच्चायुक्त अब्दुल बासित को किया तलब। आतंकवाद को पाकिस्तान द्वारा लगातार समर्थन दिए जाने पर जारी किया एक कठोर डिमार्श। मुंबई पुलिस ने जाकिर नाइक पर आतंकवाद का समर्थन होने का लगाया आरोप। धर्म परिवर्तन कराने सहित अन्य गैरकानूनी गतिविधियों में शामिल होने का भी लगाया आरोप। मुख्यमंत्री को सौंपी रिपोर्ट। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को लेकर बिहार और केंद्र आमने सामने। बिहार के मुख्यमंत्री ने योजना को बताया बीमा कंपनियों का हितेशी। प्रीमियम दर अलग अलग रखने पर जताई आपत्ति। और रियो ओलंपिक में पुरुष हॉकी टीम ने बरकरार रखी उम्मीद। तीसरे मुकाबले में अर्जेंटीना को 2-1 से हराया। क्वार्टर फाइनल में पहुंचने की आशा जगी। संसद में आज कश्मीर में जारी हिंसा के मुद्दे पर चर्चा होगी। विपक्षी दलों ने कल ही कश्मीर पर चर्चा की मांग की थी, जिसके जवाब में गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा था कि वो आज चर्चा को तैयार हैं। इधर कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कश्मीर में शांति की अपील करते हुए कहा है कि हर भारतीय कश्मीर से प्यार करता है। विपक्ष लगातार इस मुद्दे पर प्रधानमंत्री से अपनी चुप्पी तोड़ने की मांग करता रहा है, लेकिन प्रधानमंत्री ने एक बार फिर सदन के भीतर बोलने की बजाय एक रैली में ये बात कही है। मध्य प्रदेश में भारत छोड़ो आंदोलन के 75 साल के कार्यक्रम शुरू करते हुए चंद्रशेखर आजाद के गांव भाबरा में देश की बात करते हुए प्रधानमंत्री ने कश्मीर का भी जिक्र किया था। उन्होंने कहा कि मुट्ठी भर लोग कश्मीर को नुकसान पहुंचा रहे हैं। संबंधों में बढ़ते तनाव के बीच भारत ने पाकिस्तानी उच्चायुक्त अब्दुल बासित को तलब किया और कश्मीर में सीमा पार आतंकवाद को पाकिस्तान द्वारा लगातार समर्थन दिए जाने पर एक कठोर डिमार्श जारी किया। इसने घाटी में अशांति को बढ़ावा दिया है। विदेश सचिव एस जयशंकर ने बासित को अपने साउथ ब्लॉक कार्यालय में बुलाया और मुद्दे पर जोरदार विरोध दर्ज कराया, क्योंकि उन्होंने लश्कर के आतंकवादी और पाकिस्तानी नागरिक बहादुर अली का विशेष तौर पर उल्लेख किया, जिसे हाल में एक मुठभेड़ के दौरान उत्तर कश्मीर से पकड़ा गया था। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता विकास स्वरूप ने कहा, जयशंकर ने पाकिस्तानी उच्चायुक्त को बुलाया और पाकिस्तान से लगातार चल रहे सीमा पर आतंकवाद पर सख्त डिमार्श जारी किया। मुंबई पुलिस ने अपनी रिपोर्ट में धर्म प्रचारक जाकिर नाइक पर आतंकवाद का समर्थक होने का आरोप लगाया है। साथ ही उसके संगठन इस्लामिक रिसर्च फाउंडेशन पर धर्म परिवर्तन कराने सहित अन्य गैरकानूनी गतिविधियों में शामिल होने का आरोप लगाया है। वही फाउंडेशन इन आरोपों को सिरे से खारिज किया है। ये रिपोर्ट मुंबई पुलिस आयुक्त दत्ता पत्सल गीकर ने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को सौंपी है। ढाका हमले शामिल आतंकियों के जाकिर के भाषण से प्रभावित होने की खबर आई थी। पुलिस ने 71 पन्नों की जो जांच रिपोर्ट सौंपी है, इसमें कहा गया है कि जाकिर आतंकवाद और जिहाद के नाम पर हिंसा को उचित ठहराता है। उसके संगठन इस्लामिक रिसर्च फाउंडेशन से प्रभावित होकर कई युवक IS में शामिल हुए हैं। साथ ही जाकिर का संगठन धर्मांतरण को बढ़ावा देता है। चेन्नई रेलवे स्टेशन पर कल सुबह एक अलग ही नजारा देखने को मिला। स्लेम चेन्नई एक्सप्रेस जब सुबह स्टेशन पहुंची तो इसके एक डिब्बे की छत पर बड़ा सा छेद था। ट्रेन के इस डिब्बे में नोट की गड्डियों से भरे करीब 200 बक्से थे, जिसे रिजर्व बैंक में जमा कराना था। जांच के बाद चला कि पश्चिम तमिलनाडु के स्लेम से चेन्नई के लिए चले इस ट्रेन में रखे करीब 340 करोड़ रुपए में 5 करोड़ गायब थे। रेलवे पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी एम रामा सुब्रमणी ने कहा कि हमें कुछ सुराग मिले हैं जो कि अभी जाहिर नहीं किए जा सकते। नोटों की गिनती की जा रही है, जिसके बाद ही हम पक्के तौर पर बता पाएंगे कि कुल कितने रुपए गायब हैं। संभवतः 5 करोड़ रुपए के करीब चोरी हुए हैं। मुंबई के प्रसिद्ध हीरा नंदानी अस्पताल के 5 डॉक्टरों को गिरफ्तार किया गया है। इन डॉक्टरों पर किडनी चोरी रैकेट में शामिल होने का आरोप है। इन डॉक्टरों में अस्पताल का CEO भी शामिल है। पवई पुलिस थाने में डॉक्टरों के खिलाफ अंग प्रत्यर्पण अधिनियम 1994 के तहत मामला दर्ज किया गया है। बताया जा रहा है कि ये पहला मौका है जब इतने बड़े किसी अस्पताल में ऐसा कोई मामला सामने आया है। अस्पताल के ट्रस्टी निरंजन हीरानंदानी ने इस घटना को दुखद बताया है और कहा है कि ये मामला उनके लिए चौंकाने वाला है।
प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को लेकर बिहार सरकार और केंद्र सरकार आमने सामने हैं। बिहार में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना लागू नहीं हो पा रही है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने योजना पर कड़ी आपत्ति जताई है। उनकी आपत्ति इस बात को लेकर है कि हर राज्यों के लिए बीमा की प्रीमियर दर अलग अलग रखी गई है। इस योजना में राज्य और केंद्र को 50-50 अंशदान राशि देना है। ऐसे में इस योजना का नाम प्रधानमंत्री फसल बीमा ही क्यों होना चाहिए। बिहार सरकार का मानना है कि सभी राज्यों में बीमा के प्रीमियर दर में एक रूपता होनी चाहिए और इस योजना का 90% खर्च केंद्र को वहन करना चाहिए। केंद्र और राज्य के इस झगड़े में पीस रहे हैं बिहार के किसान। प्रधानमंत्री फसल बीमा की नई योजना के तहत 15 अगस्त तक राज्य सरकार को बीमा कंपनियों का चयन कर लेना है, लेकिन बिहार सरकार इस योजना की व्यवस्था को लेकर ही सवाल उठा रही है। पीएम नरेंद्र मोदी ने कल हुई संसदीय दल की बैठक में अपने सांसदों की क्लास ली। पीएम ने इस बैठक में सांसदों को फोन कर कम बात करने को कहा। पीएम ने सांसदों से कहा कि आप सभी बहुत काम करते हैं, लेकिन एक बार आप मोबाइल फोन पर दिन भर में जितनी बात करते हैं उसका डाटा निकाल लीजिए, फिर दिन भर में फोन पर बात करने में 25% की कटौती कर दीजिए। उसके बाद आप अपने कामों को समय से पूरा कर दिया करेंगे। इससे आपकी ऊर्जा भी बचेगी और आप ज्यादा से ज्यादा लोगों से मिल सकेंगे। पीएम मोदी ने मीटिंग में अपने सांसदों से उनके क्षेत्र में किए गए काम की, सरकार की योजनाओं से उनके क्षेत्र की जनता को कितना लाभ मिला है उसकी रिपोर्ट जमा कराने के लिए कहा गया है। क्या महिला सुरक्षा और दिल्ली की कानून व्यवस्था को लेकर केजरीवाल सरकार गंभीर नहीं है? ये सवाल इसलिए क्योंकि एक आरटीआई के जवाब में मुख्यमंत्री के कार्यालय ने जो जवाब दिया है वो चौंकाने वाला है। सीएमओ ने बताया है कि फरवरी 2015 से लेकर जून 2016 तक महिला सुरक्षा और कानून व्यवस्था को लेकर कोई बैठक हुई या नहीं, इसकी कोई जानकारी विभाग के पास नहीं है। दरअसल बीजेपी के प्रवक्ता हरीश खुराना ने आरटीआई के जरिए महिला सुरक्षा और दिल्ली की कानून व्यवस्था को लेकर केजरीवाल सरकार से सवाल पूछा था। उन्होंने आरटीआई के जरिए केजरीवाल सरकार से 14 फरवरी 2015 से लेकर 9 जून 2016 तक की अवधि के बारे में जानकारी मांगी थी। इसमें पूछा गया था कि इन मुद्दों को लेकर सरकार ने कितनी बार एलजी नजीब जंग, दिल्ली के पुलिस कमिश्नर और गृह मंत्रालय से बैठक की। आरटीआई के जवाब में कहा गया कि दिल्ली सरकार के पास इस बारे में कोई भी ब्यौरा उपलब्ध नहीं है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लोकसभा क्षेत्र बनारस में सोनिया के रोड शो को सफल मान रही कांग्रेस अब पूरे यूपी में बीजेपी को टारगेट करने का प्लान कर रही है। पार्टी की योजना है कि यूपी से आने वाले मोदी सरकार में हर मंत्री को निशाने पर रखा जाएगा। इसके लिए पहले उनके लोकसभा क्षेत्रों में जनसंपर्क अभियान चलाया जाएगा, जिसके बाद रोड शो किए जाएंगे। कांग्रेस ने तय किया है कि इस दौरान मंत्री जी ने अपने मंत्रालय में क्या काम किया और अपने लोकसभा क्षेत्र के लिए क्या किया। इन सवालों की पड़ताल कर रैली के जरिए वस्तुस्थिति आम जनता के सामने रखी जाएगी। कुल मिलाकर यूपी से आने वाले पीएम और उनके मंत्रियों को उनके ही इलाके में नाकारा साबित करने की कोशिश होगी। गालीकांड के बाद बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने यूपी विधानसभा चुनाव के लिए अपनी रणनीति में बदलाव किया है। सूत्रों के मुताबिक मायावती ने पिछले 2 हफ्ते में अगड़ी जाति के 30 उम्मीदवारों के टिकट काटे हैं। जिन नए उम्मीदवारों को टिकट दिया गया है उनमें ज्यादातर मुस्लिम हैं। लखनऊ में मंच से बीएसपी के प्रदर्शन के दौरान जब दयाशंकर के परिवार के खिलाफ गाली वाले नारे लग रहे थे, तब पार्टी के ब्राह्मण और ठाकुर जाति के कुछ नेताओं ने इसका विरोध किया था और ये बात मायावती को भी ये बात बताई गई थी। बीएसपी सूत्रों के मुताबिक स्वाति सिंह विवाद के बाद मायावती का अगड़ी जातियों से मोह भंग हुआ है और उन्होंने अपने जातीय समीकरण से ब्राह्मणों को दूर रखने का फैसला किया है। स्पैनिश तेलुगु ट्रेन के अब तक हुए ट्रायल से रेल मंत्रालय संतुष्ट है, लेकिन रेल बोर्ड का कहना है कि तेलुगु को मौजूदा स्वरूप में कतई नहीं चलाया जा सकता है। इसके डिब्बों की चौड़ाई भारतीय ट्रैक के हिसाब से नहीं है। इसके अलावा इस बात को लेकर भी संशय है कि तेलुगु स्पीड के लिहाज से खड़ी उतरने के बाद भी मैदान मार पाएगी या नहीं। रेल मंत्रालय का कहना है कि उनके पास सिंगल पार्टी को बिना टेंडर कोई ऑर्डर देने का नियम नहीं है, लिहाजा अगर ऐसा होता भी है तो हमें अपने ज़रूरतों के अनुरूप टेंडर सभी कंपनियों के लिए ओपन करने होंगे। हाल फिलहाल में इसकी कोई ज़रूरत नहीं दिख रही है। तेलुगु ट्रेन को लेकर रेल मंत्रालय जिस तरह से गुलाटी मार रहा है उससे सीधा संकेत यही मिल रहा है कि तेलुगु के ट्रायल ठीक ठाक रहने के बावजूद सरकार फैसला लेने में ठिठक रही है।
सऊदी अरब में हजारों की तादाद में फंसे भारतीयों और उनके परिजनों के लिए एक अच्छी खबर है। सऊदी के सुल्तान सलमान ने भारतीय मजदूरों के बकाए को लेकर कड़े निर्देश जारी किए हैं। यही नहीं, इसके साथ ही उन्होंने मदद के लिए करीब 178 करोड़ रुपए की धनराशि भी निर्धारित की है। सऊदी के सुल्तान सलमान ने भारतीय मजदूरों के बकाए लेकर जारी निर्देश में कहा, जब तक प्रवासी मजदूरों का बकाया नहीं दिया जाता तब तक सरकार के साथ जुड़े कंपनियों को कोई सरकारी नहीं होगा। विदेश मंत्री सुषमा स्वराज के हस्तक्षेप और राज्य मंत्री वीके सिंह के सऊदी दौरे के दौरान हुए बातचीत के बाद ही किंग सलमान भारतीयों की मदद के लिए आगे आए हैं। भारत को दक्षिण चीन सागर विवाद में अनावश्यक तौर पर उलझने से बचना चाहिए, ताकि चीन के विदेश मंत्री वांग यी के नई दिल्ली के दौरे के समय ये दोनों देशों के द्विपक्षीय रिश्ते को प्रभावित करने वाला एक और कारक न बने। चीन के एक सरकारी दैनिक ने कल ये टिप्पणी की, चीन और भारत के बीच पहले से सीमा को लेकर विवाद है। अखबार में छपे रिपोर्ट के मुताबिक भारत वांग के दौरे के समय दक्षिण चीन सागर के मुद्दे पर चीन के साथ अनावश्यक विवाद में संभवतः नहीं पड़ना चाहेंगे। अगर वह आर्थिक सहयोग के लिए एक अच्छा माहौल बनाने का इच्छुक है तो वह इस विवाद में नहीं पड़ेगा। अखबार ने कहा कि भारत के साथ आर्थिक सहयोग में भारत में बने उत्पादों का चीन में निर्यात होने पर उस पर सीमा शुल्क को कम करना शामिल होगा। रियो ओलंपिक में आतंकी हमले का खतरा लगातार मंडरा रहा है। ओलंपिक पार्क में कवरेज के लिए जा रहे पत्रकारों की बस पर रियो में एक हमलावर ने फायरिंग कर बस में दो गोलियां मारी गई। गोलीबारी में बस की विंडो का कांच टूटकर दो यात्रियों को लग गया, जिससे उन्हें मामूली खरोच आई। पुलिस ने स्थानीय गैंग के बदमाश पर फायरिंग की आशंका जताई है। ये बस बास्केटबॉल स्टेडियम से ओलंपिक के मुख्य स्थल की ओर जा रही थी। रियो ओलंपिक की शुरुआत से ही इस तरह की घटनाएं हो रही है। पुलिस हमलावरों की तलाश में जुट गई है। भारत और वेस्टइंडीज के बीच खेले जा रहे तीसरे टेस्ट मैच के पहले दिन वेस्टइंडीज के गेंदबाजों की जबरदस्त गेंदबाजी के आगे टीम इंडिया के टॉप ऑर्डर ने सरेंडर कर दिया। भारत के चार विकेट महज 87 रन पर ही गिर गए। इस मुकाबले में वेस्टइंडीज ने टॉस जीतकर टीम इंडिया को पहले बल्लेबाजी के लिए उतारा। जब एक छोर से टीम इंडिया के बल्लेबाज पेविलियन लौट रहे थे तब एक बार फिर आर अश्विन ने अपनी शानदार बल्लेबाजी का परिचय दिया और वेस्टइंडीज गेंदबाजों का डटकर सामना किया। खेल के पहले दिन भारत का स्कोर 5 विकेट के नुकसान पर 234 रन रहा। पहले टेस्ट मैच में शतक जड़ने वाले और अश्विन 75 रन बनाकर क्रीज पर डटे हुए हैं और रिद्धिमान साहा 46 के स्कोर पर खेल रहे हैं। केंद्रीय मंत्री बाबुल सुप्रियो और उनकी एयर होस्टेस गर्लफ्रेंड रचना शर्मा कल दिल्ली के एक 5 सितारा होटल में शादी के बंधन में बंध गए। इस शादी में साक्षी बने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ साथ बीजेपी से लाल कृष्ण अडवाणी, बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह, केंद्रीय मंत्री अनंत कुमार और जितेंद्र सिंह भी पहुंचे। बाबुल सुप्रियो को शादी की बधाई देने के लिए कांग्रेस के महासचिव दिग्विजय सिंह, शशि थरूर, सिंगर दोस्त शान और अनु मलिक के अलावा कई बड़ी नामी हस्तियां भी समारोह में मौजूद रही। इस न्यूज बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। ताजा तरीन खबरों को जानने के लिए जुड़े रहिए मेट्रो टीवी से। नमस्कार।